डियर स्टूडेंट्स आ वेरी वन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वाई टुडेज लेक्चर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन द टॉपिक स्टेजेस ऑफ कॉपरेट स्ट्रेटजी फॉर्मलेशन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने प्रिवियस लेक्चर में दो स्टेज को डिस्कस किया था डेवलपिंग अस्ट्रेटजिक विजन एंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टेजेस ऑफ कॉपोरेट स्ट्रेटजी फॉर्मूलेशन इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टेज थ्री स्टेज फोर एंड स्टेज फाइव जैसा कि आप इस पर्टिकुलर चार्ट में देख रहे हैं ओके सो लेट अस स्टार्ट द स्टेज नंबर थ्री स्टेज थ्री इज क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन यानी कि इस स्टेज में हमें क्या करना है ऑब्जेक्टिव्स और विजन को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को क्राफ्ट करना है फॉर्मुलेट करना है प्रीवियस स्टेजेस, यानी कि स्टेज वन और स्टेज टू में जिन ऑब्जेक्टिव्स और विजन को हमने प्रॉपरली डेवलप किया था उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स और विजन को ऑब्टेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की स्ट्रेटजी को क्राफ्ट किया जाता है अ कंपनी स्ट्रेटजी इज एट फुल पावर ओनली व्हेन इट्स मैनी पीसेस आर यूनाइटेड आइडियली, द पीसेस एंड लेयर्स ऑफ अ कंपनी स्ट्रेटजी शुड फिट टुगेदर लाइक अ सॉ पजल टू अचीव दिस यूनिटी द स्ट्रेटजिक प्रोसेस जनरली हैज़ प्रोसीडिड फ्राम द कॉपोरेट लेवल टू द बिजनेस लेवल एंड दैन फ्राम बिजनेस लेवल टू द फंक्शनल एंड ऑपरेटिंग लेवल्स यानी कि अगर कंपनी की स्ट्रेटजी को आपको प्रॉपरली डेवलप करना है तो इसके फुल पावर में होने के लिए जो डिफरेंट पीसेस हैं उन डिफरेंट पीसेस को प्रॉपरली यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपनी कि स्ट्रेटजिक के रिलेशन में जो भी पर्टिकुलर पीसेज हैं या लेयर्स हैं इनको हमें एक जिक पज़ल की तरह एक साथ फिट करना होता है अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी को डेवलप करना है क्राफ्ट करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से और इसको अचीव करने के लिए यानी कि इस यूनिटी को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटजाइजिंग प्रोसेस है या स्ट्रेटजी को डेवलप करने की प्रोसेस है इसको स्टार्ट किया जाता है फ्रॉम द कॉरपोरेट लेवल टू द बिजनेस लेवल पहले तो आप कॉर्पोरेट लेवल से बिजनेस लेवल की तरफ प्रोसीड करते हो उसके बाद आप बिजनेस लेवल से फंक्शनल लेवल और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग लेवल की तरफ प्रोसीड करते हो और उसके बेसिस पर जो डिफरेंट लेयर्स हैं जो डिफरेंट पेसेज हैं इनको एक यूनाइटेड वे में कंप्लीट करते हुए यूनाइटेड करते हुए इन्हें आप स्ट्रेटजी को डेवलप करते हो जब एक स्ट्रेटजी को क्राफ्ट किया जाता है तो उसके लिए हमें थ्री वैरायटी ऑफ असेसमेंट को कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है इनको कंसीडर करने से आप प्रॉपरली पॉलिसी को या स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकते हो वो भी एक इफेक्टिव वे में क्या क्या है ये असेसमेंट जिनको कंसिडर करना जरूरी होता है द वेरी फर्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस सबसे पहले तो आपको वर्कआउट करना होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर आपको ये डिफाइन करना होता है दैट व्हाट आर द

और उनकी डिफरेंट नीड्स क्या हैं किस पर्टिकुलर मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो और जिस मार्केट में आप ऑपरेट करना चाहते हो उसका एनवायरमेंट क्या है उसका वर्किंग कंडीशंस क्या है वहाँ पर ये सारे ये तीन फैक्टर्स हैं ये असेसमेंट्स हैं जिनको प्रॉपरली कंसीडर किया जाता है इन तीनों को असेस करने के बाद होता क्या है ये जो असेसमेंट्स हैं दिज फोकस ऑन डिटरमाइनिंग हाउ एट्रेक्टिव द सेलेक्टिव मार्केट विल बी गिव इन द स्ट्रेटजी सिलेक्टेड यानी कि जिस स्ट्रेटजी को आप सिलेक्ट कर रहे हो उस स्ट्रेटजी के रिलेशन में ये असेसमेंट्स ये फोकस करते हैं कि सेलेक्टिव मार्केट में ये स्ट्रेटजी कितनी ज्यादा एट्रेक्टिव रहेगी या जो सेलेक्टेड मार्केट है वो कितना ज्यादा एट्रैक्टिव होगा और कितना बेनिफिशियल होगा ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उस स्ट्रेटजी को सिलेक्टेड स्ट्रेटजी इस को इसमें प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया है ये इन तीन असेसमेंट्स के बेसिस पर डिसाइड किया जा सकता है इसके साथ साथ ये जो असेसमेंट्स हैं ये इस टाइप की स्ट्रेटजी को डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं जो प्रॉपरली बिजनेस स्ट्रेंथ और कॉम्प्यूटूटर की वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सके और दूसरी तरफ बिजनेस वीकनेसेस और कम्पटेटर की स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज कर सके इस टाइप की स्ट्रेटजी को डेवलप करने में ये असेसमेंट्स कंप्लीटली हेल्पफुल होते हैं ठीक है नाउ वी मूव टू द स्टेज नंबर फोर एक बार आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी को डेवलप कर लिया है नाउ इट इज द टर्न टू इंप्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटजी अब आपको इस स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है और प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन इज एन ऑपरेशन एक्टिविटी एम्ड एट द परफॉर्मेंस ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटीज इन स्ट्रेटजी सपोर्टिव मैनर जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं एग्जीक्यूशन की बात करते हैं स्ट्रेटजी के रिलेशन में तो ये एक ऑपरेशनल ऑरटेड एक्टिविटी होती है जिसका पर्पज़ होता है जो कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं इनको स्ट्रेटजी सपोर्टिव मैनर में सेपिंग प्रोवाइड करते हुए परफॉर्मेंस को फॉलो करना यानी कि इनको प्रॉपरली एक्सटेंड में रखना स्ट्रेटजी में आपने जिन बिजनेस एक्टिविटीज को डिटरमाइन किया है उनको प्रॉपरली एक्शन में लेकर आना और उसके बेसिस पर प्रॉपरली परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करना परफॉर्मेंस को शो ऑफ करना ये होता है इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटजी का रोल स्ट्रेटजिक प्लान्स को एक्शंस और रिजल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर मैनेजर को कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंसीडर किया जाना चाहिए इट मींस दैट अ मैनेजर मस्ट बी एबल टू किन क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए मैनेजर के अंदर सबसे पहली एबिलिटी है स्टाफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द नीडेड स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑर्गेनाइजेशन को अपनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के रिलेशन में जो भी स्किल्स और जो एक्सपर्टाइज नेचर की रिक्वायरमेंट है उसकी एबिलिटी को एंस्योर करना और उसके अकॉर्डिंग स्टाफ की एबिलिटी को एंस्योर करना ऑर्गेनाइजेशन में दिस इज द एक्शन एंड दैट इज द एबिलिटी ऑफ द मैनेजर ये एबिलिटी होनी चाहिए मैनेजर की दूसरा डेवलप बजट दर एम्पल इन टू दोल क्रिटिकल टू स्ट्रेटिक सक्सेस यानी कि आपको अपनी स्ट्रेटजिक सक्सेस जो क्रिटिकल स्ट्रेटजिक सक्सेस है उसके लिए डिफरेंट टाइप की कैटेगल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर बजट को डेवलप करना ये एबिलिटी होनी चाहिए प्रॉपरली स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के रिलेशन में इसके साथ साथ उसे ये एनश्योर करना पड़ेगा कि जो पॉलिसीज़ हैं और जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो इफेक्टिव एग्जीक्यूशन में प्रॉपरली हेल्पफुल होने चाहिए इस तरीके से आपको पॉलिसीज़ और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को एनश्योर करना है इसके साथ साथ आपको बेस्ट नोन प्रैक्टिस का यूज करना है जिससे कि आप कोर बिजनेस एक्टिविटीज को प्रॉपरली परफॉर्म कर सको इसके साथ साथ एबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस मैनेजर में कि वो प्रॉपरली मोटिवेट कर सके एम्प्लॉयज को पीपल को जिससे कि टारगेट ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली परस्यू किया जा सके इसके साथ साथ ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्ट्रेटजी को इस तरीके से क्रिएट करे कि एक सपोर्टिव वर्क क्लाइमेट को क्रिएट किया जा सके यानी कि स्ट्रेटजी इस तरीके से होनी चाहिए कि एक सपोर्टिव वर्क क्लाइमेट ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाए इसके साथ साथ एबिलिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर मैनेजर में कि वो प्रॉपरली कंपनी की कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटेटिव एबिलिटी को प्रॉपरली बिल्डअप करे और उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करे इसके साथ साथ ये भी एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर कि द मैनेजर कैन एक्जर्ट द इंटरनल लीडरशिप डीटेड टू ड्राइव इम्प्लीमेंटेशन फॉरवर्ड एंड कीप इम्प्रूविंग स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन यानि कि वो अपनी इंटरनल डीडरशप को इस तरीके से एग्जर्ट करे जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया जा सके और इसके साथ साथ जो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन है उसको प्रॉपरली इम्प्रूव भी किया जा सके तो इन सारी एबिलिटीज को प्रॉपरली परफॉर्म करने के बाद ही स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया जा सकता है तो इस स्टेज में आप इन सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स को फोकस करते हुए स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हो और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हो यानी कि आपके द्वारा डिसाइड किए गए जो भी एक्टिविटीज हैं दे आर इन टू एक्शन द लास्ट स्टेज स्टेज नंबर फाइव मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स

और यहां ये डिसाइड किया जाता है ट्रिगर पॉइंट क्यों कह रहे हैं इसको क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेज में ये डिसाइड किया जाता है कि जिस पर्टिकुलर कंपनी के विजन ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन मेथड्स को फॉलो किया जा रहा है क्या उसको हमें कंटिन्यू करना है या फिर हमें उसमें किसी चेंज की रिक्वायरमेंट है क्यों क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स में लगातार चेंजेस होते रहते हैं कभी कभी इंटरनल फैक्टर्स में भी चेंज होते हैं और कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी चेंज होते हैं और उसकी वजह से आपको इन चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए कंपनी के विजन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन मेथड्स को चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है जब तक कंपनी के डायरेक्शन और स्ट्रेटजी इंडस्ट्री इसकी कॉम्पिटेटिव कंडीशंस और से प्रॉपरली मैच करते रहेंगे और कंपनी अपने परफॉर्मेंस टारगेट्स को प्रॉपरली अचीव करती रहेगी तो उस केस में जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं वो सेम कोर्स ऑफ एक्शन पर स्टे रह है सकते हैं उस समय उनको किसी भी पर्टिकुलर चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी लेकिन इसके लिए प्रॉपरली मैच करने जरूरी हैं एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट का लेकिन कभी कभी क्या होता है कंपनी एंडकाउंटर्स डिसरप्टिव चेंजेस इन इट्स एक्सटर्नल एन्वायरमेंट क्वेश्चन नीड टू बी रेज अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इट्स डायरेक्शन एंड स्ट्रेटजी कभी कभी एक्सटर्नल एन्वायरमेंट में चेंजेस हो जाते हैं और उन चेंजेस की वजह से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इसकी डायरेक्शन और स्ट्रेटी अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं क्या उसके अकॉर्डिंग कंपनी को अपनी डायरेक्शन और स्ट्रेटजी में चेंज किया जाना चाहिए ये क्वेश्चन होता है अगर कंपनी को लगता है कि जो इसकी मार्केट पोजिशन है वो इन चेंजेस की वजह से लगातार डाउन टर्न की तरफ जा रही है या लगातार डाउन हो रही है और इसकी परफॉर्मेंस में फॉल हो रहा है तब कंपनी ये विचार कर सकती है कि भाई इसको अपनी स्ट्रेटजी और इसकी डायरेक्शन को चेंज किए जाने की रिक्वायरमेंट होगी देन इन सच आर सिचुएशन कंपनी मैनेजर्स आर ऑब्लिगेटेड टू फाइंड आउट वेदर द कॉजेज रिलेट टू पुअर स्ट्रेटजी पुअर एग्जीक्यूशन और बोथ एंड देन टू टेक टाइमली करेक्टिव एक्शंस इट इज टू बी एक्सपेक्टेड दैट अ कंपनी विल मॉडिफाई इट्स स्ट्रेटजिक विजन डायरेक्शन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी ओवर टाइम यानी कि इस सिचुएशन में यानी कि अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट लगती है तो कंपनी के मैनेजर्स ये फाइंड आउट करेंगे कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं परफॉर्मेंस में वो पुअर स्ट्रेटजी की वजह से है या पुअर एग्जीक्यूशन की वजह से है या फिर दोनों की वजह से ही ये डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं और उसके बाद टाइम के साथ साथ यानी कि टाइम रहते हुए करेक्टिव एक्शंस को फॉलो किया जाएगा जिससे कि प्रॉपरली परफॉर्मेंस को अचीव किया जा सके यानी कि जो डिसाइडेड परफॉर्मेंस है उसको अचीव किया जा सके इस तरीके से करेक्टिव एक्शंस को फॉलो किया जाएगा यहाँ मैनेजर मैनेजर्स के द्वारा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो कंपनी है उसको हमें मॉडिफाई करना है और उसको मॉडिफाई करने के लिए हमें उसके स्ट्रेटजिक विज़न उसकी डायरेक्शन ऑब्जेक्टिव्स और उसके स्ट्रेटजी ओवर टाइम को हमें चेंज करना पड़ेगा और इस तरीके से इन चेंजेस को इस तरह से फॉलो किया जाता है जिससे कि डिजायर्ड आउटकम्स को प्रॉपरली अचीव किया जा सके सो दीज ऑल आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉपोरेट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन थैंक यू